अच्छा दोस्तों, ये जल्दी से क्लिप देखिएगा, बहुत शॉकिंग क्लिप है। उसके बाद भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि क्यों कहा जा रहा है कि जी हिंदू आउट, इस्लाम आउट, नो पाकिस्तानी, नो इंडियंस। ये वजह क्या बनी कि दूसरे मुल्क जो है ना वो पाकिस्तानी इंडियंस को ऐसे कह रहे हैं। ये वीडियो क्लिप देखिएगा और बड़ी मज़ेदार वीडियो है, इसके साथ जुड़े रहिएगा। आपको आखिर तक देखेंगे तो समझ आएगी कि इतना अहम इशू आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इस्लाम आउट, इसमें हिंदू भी लिखा है भाई। अच्छा दोस्तों, गौर से सुनिएगा, आज हम बात करेंगे एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ये बैनर्स लग गए हैं कि इस्लाम आउट, हिंदुइज्म आउट, नो पाकिस्तानी, नो इंडियन। जी हाँ, बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया है, बहुत बड़ी वायरल खबरें सामने आ रही हैं कि आखिर इस मुल्क ने क्यों ऐसा लिखा है। हालांकि ऐसा लिखना किसी भी मज़हब, किसी भी कानून में जायज़ नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यही लिखा है कि जी इस्लाम आउट, हिंदुइज्म आउट, नो इंडियन, नो पाकिस्तानी। तो इसलिए वीडियो सारी देखेंगे तो फिर आपको मेरा ख्याल समझ आएगी कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ और ये वाकया है कहाँ का। अच्छा दोस्तों, वाकया कुछ यूँ है कि जनूबी कोरिया का शहर देगू और वहाँ पर बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कंगपूक नेशनल यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर पूरी दुनिया के नौजवान आकर तालीम हासिल करते हैं, जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल है, इंडियन, बांग्लादेशी भी शामिल है और दूसरे मुल्कों के लोग भी शामिल हैं। मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पर, मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर। उन्होंने एक छोटी सी तंजीम बनाई हुई है जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने देखा कि हमारे साथ ही यूनिवर्सिटी के साथ ही एक मोहल्ले में एक मस्जिद है, बहुत पुरानी है और उसकी हालत भी बुसीदा हो चुकी है, तो क्यों ना हम कंट्रीब्यूशन कर लें, यानी आपस में पैसे जमा करके। तमाम मुल्कों के नाइजेरियन थे और इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो मुस्लिम लोग थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपनी जमा पूंजी से पैसे जमा किए और कोशिश की कि ये जो मस्जिद साथ मोहल्ले में लगती है उसको रेनोवेट करें, खूबसूरत बना दें। उन्होंने जब काम स्टार्ट किया तो वहाँ पर एंटी मुस्लिम्स जो तंजीमें थीं उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, और जस्ट बात एहतजाज तक नहीं रही, उन्होंने उस मस्जिद के सामने एक बाकायदा पार्टी का एहतमाम किया, बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया, और उस पार्टी में खंजीर का गोश्त, पोक, वो इस्तेमाल किया, और जो पोक के सर थे, खोपड़ियाँ यानी सिरी जिसे कहते हैं, खंजीर की सिरियाँ उस मस्जिद के सामने फेंक दी ताकि मुस्लिम डिस्टर्ब होंगे और वो इनको साफ करें। सारी रात वहाँ पर हल्ला गुल्ला होता रहा और वो वहाँ पर बारबेक्यू एंजॉय करते रहे। ये वो लोग थे जो एंटी मुस्लिम, एंटी हिंदुइज्म, इन्होंने वहाँ पर बहुत शोर शराबा किया, ठीक है जी। तमाम जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे पूरे कोरिया में, उन्होंने कोशिश की कि हम किसी तरीके से इस मामले को सॉर्ट आउट करें और मसले को हल करें ताकि ये पूरी दुनिया में तमाशा बन रहा है। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, उन्होंने बाकायदा कंपेन की, जो एंटी इस्लामिक लोग थे उन्होंने वहाँ पर ट्रक्स हायर किए और ऊपर कोरियन और इंग्लिश लैंग्वेज में लिख कर बैनर्स लगा दिए जिनके ऊपर लिखा हुआ था कि जी इस्लाम आउट, हिंदुइज्म आउट, नो इंडियन, नो पाकिस्तानी, इस तरह के बैनर्स लगा दिए गए और एक बाकायदा मुहिम चलाई ताकि यहाँ से जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको डिमोरलाइज किया जा सके और ये लोग यहाँ से चले जाएं। ये मैं तमाम कोरियंस की बात नहीं कर रहा, एंटी इस्लामिक और एंटी हिंदुइज्म के जो लोग हैं कोरिया में, ये उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने बड़ा हंगामा किया जनाब, नेशनल मीडिया जो कोरिया का था उसने तो इशू दिखाया नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर और जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे उन्होंने इसको खूब हाईलाइट किया, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई और ये एहतजाज का सिलसिला भी जारी रहा और ये रेसिज्म जो है ना ये अरूज पर रही। पूरी दुनिया में रेसिज्म अगर होती है तो उसकी आवाज़ उठाई जाती है और बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, तंजीमें हैं जो इस इशू को सॉल्व करती हैं या इसको कंडेम करती हैं, लेकिन कोरिया में होने वाले इस वाक़े ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और इस वक्त ये हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है कि कैसे डेलिब्रेटली उन्होंने जो है ना इसको ओपनली गाड़ियों के ऊपर बैनर्स लगा के तो ये लिख दिया है कि जी यहाँ पर हिंदू और नो इस्लाम और ये सारी चीज़ें। हालांकि धर्म कोई भी है, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, जो भी कोई करता है वो उसका और अल्लाह का मामला है, लेकिन किसी इंसान को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को डिस्क्रिमिनेट करे या उसको रेसिज्म के सामना करना पड़े। इसी वाले से एक हिंदू लड़की ने वहाँ पर एक छोटी सी वीडियो में बताया, and they be like they come very fast, like they'll be sitting and relaxing, they just come dash out and they're like dusted okay I'm not buying ke jab hum indian pakistani kisi shop par jate hain shopping karne ke liye to kapdon ki agar dukaan hai to hum kisi cheez ko check kar rahe hote hain, khareedne ke liye dekh rahe hote hain, to jo wahan par shopkeepers hote hain, dukandar hote hain korean, वो फौरी तौर पर आराम से बैठे होते हैं और फौरी तौर पर भाग हमारी तरफ आते हैं और हमारे आसपास आके ना तो डस्टिंग शुरू कर देते हैं, यानी कि हमने हाथ लगा दिया है तो वो उसको साफ करना शुरू कर देते हैं।
तो हम फिर मजबूरन यही कहते हैं ओके अगर आपको इतनी हमसे नफरत है तो हम नहीं खरीदते। यानी इस तरह का रवैया जो है ना वो रखा जा रहा है, जो कि भाई से शर्म है। लेकिन ये नौबत क्यों आती है, क्यों लोग जो है ना वो दिन ब दिन हम पाकिस्तानी इंडियन और ये जो हिंदू मुस्लिम इस तरह की चीजों में दिन ब दिन सामने आ रहे हैं। हालांकि ये किसी को कुछ नहीं कहते, ये जो इंटरनेशनल बॉडीज होती हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, ये सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं या पैसे कमाने के लिए जाते हैं। इनका किसी भी वहां की पॉलिटिक्स, जो वहां की अंदरूनी उनकी मामला होते हैं, वो उसका कोई लेन देन नहीं होता। जैसा कि आपको पता है कि अब पूरी दुनिया में बहुत तेजी से जो ना इस्लाम फैल रहा है और कोरिया में भी दिन ब दिन इस्लाम बढ़ रहा है। कोरिया में जो एक यूनिवर्सिटी जिसके भी मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर तकरीबन 150 से 200 एक्टिव मुस्लिम्स हैं जो बाकायदा वहां पर एसोसिएशन चला रहे हैं। और इसके साथ साथ वहां पर बहुत सारी मसाजिद हैं पूरे कोरिया में, और बहुत से कोरियन हैं जो भी वो भी मुसलमान बन रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो चीज़ें अभी दिन ब दिन सामने आ रही हैं ना, इससे पूरी दुनिया जो है ना वो एक ख़ास तौर पर जो हमारे पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी ममालक हैं उनमें तशवीश की लहर है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमारे सिटीजन के साथ इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। वजह कोई नहीं है इसकी, रीज़न कोई नहीं है। जिस तरह के आपने अभी स्क्रीन पर चीज़ें भी देखी कि उनके ऊपर पोस्टर्स जो है ना वो लगे हुए हैं और उनमें कोरियन ज़बान में यही लिखा हुआ है कि जी इस्लाम एक टेररिस्ट है, दहशतगर्द है और हम इसको नहीं यहाँ पे आने देंगे और हम इसको नहीं अपना यहाँ पे वर्शिप करने देंगे। बहुत सारे स्लोगन्स लिखे हुए हैं और ये कोई आज का वाकया नहीं है, ये गुज़श्ता कुछ सालों से जारी है। लेकिन वहाँ पर कोई इसके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से ये सिलसिला जारी है। और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ये तशवीश की लहर है, लेकिन उसके बावजूद वो डिटर्मिंड है और वो पूरी तरह लगे हुए हैं कि हम किसी को कुछ नहीं कहते, अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं, अपने मजहब के हवाले से अपने अंदरूनी मामला को देखते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि जो कोई हिंदुइज्म है उसको वो बुरा भला कह रहे हैं, इस्लाम को बुरा भला कह रहे हैं, हालांकि वहां पर रहने वाली जो मुस्लिम कम्युनिटी है या इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहां कोरियन के कल्चर को कुछ नहीं कहते, कोरिया की जो वहां पे ट्रेडिशंस है उसको कुछ नहीं कहते। फिर इन्हीं को क्यों सामना करना पड़ता है, कुछ लोग क्यों जो है ना वो सब कॉन्टिनेंट के जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग वहां पर जाते हैं विजिट के लिए उनको हकारत की निगाह से देखते हैं, उनके खिलाफ एक बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा बनाकर दुनिया के सामने पेश करते हैं कि हम दुनिया की आला कौम है और बाकी हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी तरह ये एक वीडियो क्लिप देखिएगा जिसमें कुछ इंडियन लोग वहां पर क्लब है वहां पर गए और जो वहां पर क्लब के सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने ये कहकर उनको अंदर जाने से इनकार कर दिया कि आप इंडियन हैं, आप अंदर अलाउ नहीं है। ये सुनिए। और उसके बाद वो जो लोग थे हमारे भाई इंडियंस उन्होंने वहां पे शाउट करना शुरू कर दिया कि हाउ इज पॉसिबल कि आप कैसे किस कानून के तहत हमें रोक रहे हैं, ये कहीं नहीं है कि जी हमें इंडियन है और पाकिस्तानी तो आप अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई नहीं जो है ना टस से मस नहीं हुए। उसके बाद जिन लोगों के साथ ये वाकया पेश आया रेसिज्म का क्लब में एंट्री के वाले से, तो उन्होंने फिर मालिक से बात की, कुछ वहां के कर्ता धर्ता जो ऑफिशियल थे उनसे बात की कि जी ये ऐसे किया गया है, हमें रेसिज्म का सामना है, हमें इंडियन कह के जो है ना वो क्लब में अंदर दाखिल होने से रोक दिया गया है और बुरा भला कहा गया है, हमें हाथापाई की नौबत तक जो है ना वो सामना करना पड़ा। तो उन्होंने वो बोर्ड भी हटा दिया जो क्लब के बाहर रखा हुआ था कि यह पाकिस्तानी इंडियन का दाखिला मना है। तो इस जो नौजवान जिसने ये वीडियो बनाई थी उन्होंने इसकी काफ़ी आवाज़ उठाई और फिर उसके बाद उन्होंने मजबूरन वो बोर्ड भी वहाँ से हटा दिया। और उसके बाद जो मतलब बेशक उन्होंने उसके बावजूद इन लोगों को अंदर जाने नहीं दिया, इंडियन पाकिस्तानी का दाखला मना ही रखा, लेकिन वो बोर्ड वहाँ से हटा दिया क्योंकि ये आप किसी भी कानून के तहत वो ऐसा बोर्ड नहीं लिख सकते। कोई ऐसा टूरिस्ट के वाले थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वाले से उनकी बैन, उनको बिला वजह बैन करने के वाले से ऐसा नहीं लिख सकते। कुछ लोग आज भी ऐसे हैं कि जो घर किराए पर देते हैं, मैं बाहर के मुल्कों की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने बाकायदा लिखा होता है कि जी ये घर सिर्फ फलां 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 मुल्कों के लोगों के लिए है, यानी कि उसमें मेजॉरिटी पाकिस्तानी या इंडियन को घर देती नहीं है और वो टाल मटोल कर देती है। अगर पता चलता है ना ये पाकिस्तानी या इंडियन है तो वो कह देंगे कि नहीं ये घर ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है या किराए पे चढ़ चुका है। ये सिलसिला आम है, बहुत सारे ऐसे वाक़ है जो जन्म ले रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। अच्छा, कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने बेल का बटन और सब्सक्रिप्शन का बटन नहीं दबाया। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि हम आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकें और आपको पता चल सके कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको पता चले कि बाहर के मुल्कों में
क्या हमारे मुल्कों के खिलाफ हो रहा है और क्यों हमसे इतनी नफरत की जा रही है, क्यों पाकिस्तान, इस्लाम, इंडिया, हिंदुइज्म, इसके खिलाफ बातें होती हैं, ताकि आप जब इस वीडियो को शेयर करेंगे, बार बार देखेंगे तो लोगों को ग्रुपों में शेयर करेंगे, तो ताकि पता चले कि दुनिया का असल हकीकी चेहरा है क्या और बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है जो वहाँ के नेशनल मीडिया में नहीं दिखाते, लेकिन हम वो चीज़ें आपके सामने लेके आते हैं। जहाँ रहे, खुश रहें, औरंगजेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।